नाजरीन असलकुम अदनान फारूक हेयर अदनान फारूक डॉट कॉम हाइपोथराडिज़म ये एक ऐसा मसला है कि जो इट्स वेरी अनरिजॉल्व लॉट ऑफ पीपल डोंट नो वट टू डू अबाउट इट लैब टेस्ट के ऊपर फॉलो करें क्या करें क्या नहीं करें इन दिस शॉट प्रजेंटेशन आई एम गू इंट्रोड्यूस वट नीड्स टू बी डन एंड होपफुली जब आप इस सिचुएशन को समझ लोगे So you will be in a better position. Now, one thing that I must mention here is educational segments they cannot be replaced by actual prescription because actual prescription, then we take your entire history. So, just for your information, just to bring you into the latest research of hypothyroidism, then this is your go-to source. Guys, if you don't know me, my name is Adnan Farooq and I'm a functional medicine coach or uh, functional medicine, basically a uh, West canaric trend, hai, relatively new trend, which is saying that uh, these chronic diseases can be dealt with effectively through use of quality nutrition, some herbs, vitamins, lifestyle change, or agar if all else fails.

तो ये बात समझना ज़रूरी होएगी कि जब दवाइयाँ खा रहे होते हैं तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती आई मीन सो मैनी टाइम्स पीपल हैव सेड के द डॉक्टर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सेज़ इट्स इन इट्स ऑल इन योर हेड कि अब एज आ गई है तो अब ये तो होएगा ही होएगा इट्स नॉट ट्रू आई मीन इट डजन हैव टू बी के जी आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं आप सिम्टम्स भी डॉक्टर को बता रहे हैं और फिर भी आपके सिम्टम्स वहीं के वहीं हैं सो वट आई वॉन्ट टू कवर इन दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन इज दैट आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग यू इन टू द सिम्टम्स मैं जो ये टॉपिक्स के अंदर कवर करूँगा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द सिम्टम्स देन उसकी जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो क्यों आएंगी विल टॉक अबाउट दैट एज़ वेल और फिर लास्टली इसके लिए क्या जो इंस्ट्रक्शंस um, हैं What do you need to do about it? We'll discuss that as well. So, a lot of information coming your way. I would highly recommend if you don't have a paper and pencil, you might as well start writing things down. Grab a paper and pencil, start writing things down because I'm going to overload you with information that is certainly going to help you. So, let's get started. First, what are the symptoms? क्योंकि जब हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहली चीज़ होती है व्हाट आर द सिम्टम्स फिर वो डॉक्टर क्या करता है अपने आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसको उस डिज़ीज़ के साथ मैच करता है अगर मैच आ जाता है डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाता है और उसकी फिर प्रिस्क्रिप्शन जो कि मोस्टली मेडिसिन बेस्ड होती है वो शुरू हो जाती है सो द इनिशियल प्रोटोकॉल इज़ द सेम वी वर्क विद द सिम्टम्स एंड देन टेस्टिंग कम्स एट द सेकेंड फेज सो वट आर द सिमटम्स ऑफ हाइपोथायराडिज्म पहले तो ये समझ लें कि हाइपोथायराडिज्म इज स्लोइंग डाउन ऑफ योर थारॉयड लैंड राइट और हाइपोथायराडिज्म के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उसको समझने से पहले ये समझ लें कि एट्टी परसेंट ऑफ द हाइपोथायराडिज्म केसेज आर ऑफ ऑटो अम्यून नेचर ऑटो अम्यूनिटी विच सिम्पली मीन्स के बॉडी का जो अम्यून सिस्टम है कोविड के बाद से हम सबको पता तो लग गया कि अम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का अम्यून सिस्टम इट स्टार्ट्स अटैकिंग योर थायरॉयड ग्लैंड और ऑटो अम्यून बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं र्यूमोटो आइथराइटस इज ऑटो इम्यून लूपस इज ऑटो इम्यून एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन हाशीमोटोज हाइपोडाइटिस इज ऑल्सो ऑटो इम्यून ये जो हम हाइपोथायराडिजम की बात कर रहे हैं ये भी ऑटो इम्यून नेचर के मोस्टली केसेज होते हैं सो द प्रॉब्लम सिंपली पुट इज़ नॉट विद योर थारॉयड नॉट परफॉर्मिंग नॉट फंक्शनिंग इट इज़ समवेयर एल्स इट इज़ इन द इम्यून सिस्टम और वो इम्यून सिस्टम में कहाँ से आ रहा है दैट ऑब्वियसली नीड्स टू भी इन्वेस्टिगेटेड उसकी रूट कॉज में जाने की जरूरत है तो फंक्शनल मेडिसिन क्या करती है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ या सिम्टम स्प्रेशन के ऊपर बात नहीं करती वो देखती है कि रूट कॉज क्या है या रूट कॉजेज क्या क्या है वहाँ पर जाके जब आप प्रॉब्लम को जड़ से जड़ पे एड्रेस करते हैं रूट कॉज पे जाते हैं रिजल्ट वहां पे मिलता है सो दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द सिम्टम्स दैट इफ यू हैव वन और टू और मोर ऑफ द सिम्टम्स देन यू नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन नंबर वन फटीग थकावट का होना नंबर टू हेयर फॉल बालों का गिरना दोपहर के टाइम इफ यू इफ यूर फीलिंग स्लीपी इफ़ यू फील लाइक टेकिंग नैप्स दैट इज ऑल्सो सिम्टम सुबह उठे हैं बट यू डोंट हैव एनर्जी टू गेट आउट ऑफ बेड दैट इज अ सिम्टम वेट लॉस रिजिस्टेंस यू नो डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू आर नॉट बींग एबल टू लूज वेट कुड बी दैट यू हैव हाइपोथेराज ब्रेन फॉग दिमाग का काम करना आप ब्रेन फॉग होती है कि यू नो समाइम्स यू आर नॉट बींग एबल टू थिंक क्लियरली यू हैव टू रियली जब आप कहते हैं कि जी मुझे ज्यादा से ज्यादा चाय पीनी है तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा ब्रेन फॉग उसको कहते हैं Uh, किसी चीज़ के लिए एनर्जी ना होना एंजाइटी अटैक्स का होना सो uh, इनफर्टिलिटी so, uh, को भी इसके अंदर साइड किया जा रहा है कि दिस ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द रीजन्स तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये ढेर सारे आपको सिम्टम्स बताए हैं एंड देर टू जनरलाइज्ड एंड इट डजेंट मीन कि अगर आपका एक भी सिम्टम क्वालिफाई कर रहा है तो यू कुड बी यू कुड बी और यू यू मे नॉट बी सो द थिंग इज टू सीख फर्दर क्लैरिफिकेशन और वो क्लैरिफिकेशन कैसे आएगी विद फर्दर टेस्टिंग और टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड पैनल जो यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपको जो नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस दी जाती हैं और जो स्टैंडर्ड थायरॉय टेस्ट बताया जाता है दैट इज़ लिटल इनकनक्लूसिव मतलब जब आप जाते हैं अपना थायरॉयड का टेस्ट कराते हैं तो तीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका विद स्टैंडर्ड अप्रोच तीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपकी uh, सारा मामला तय किया जाता है नंबर वन टी एस एच थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके बाद टी थ्री विच इज़ द एक्टिव हार्मोन और टी फोर इन तीनों इन्फॉर्मेशन को देख के ये कंक्लूड कर लिया जाता है कि आपका थारॉयड है या नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है बल्कि ये ग्लोबल फनोमिन है कि सो मैनी पीपल आर बींग मिसडाइग्नोज सो मैनी पीपल मे हैव थायरॉयड और हाइपोथायरॉइड और हाशी मोटोस फॉर दैट मैटर बट बिकॉज योर टेस्ट इज इनकंक्लूसिव एंड योर रेफरेंस रेंजेज आर नॉट अपडेटेड तो आप मिसडाइग्नोज हो गए आपको ये सिम्टम्स थे और दूसरी तरफ आपने आपको ये कह दिया गया कि जी आपकी टीएसएच रेंज के अंदर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट एंड वन ऑफ द रीजन मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट वन ऑफ द रीजनज वाई इट गेट्स मिस डाइग्नोज इज बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने टेस्ट को निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर टी एस एच थारयड स्टिमुलेटिंग हॉमोन एक जो इंडिकेटर है वो कहते हैं जी ये फाइव पॉइंट फाइव से नीचे हो तो आपको टी एस एच नहीं है फंक्शनल मेडिसिन इसको बिल्कुल फर्क तरीके से कह रही है फंक्शनल मेडिसिन की रेंजेस नॉर्मल रेंजेस पर डिपेंड नहीं करती वो ऑप्टमल रेंजेस की तरफ जाती हैं सो so, टी एस एच अगर आपका एक से दो के दरमियान है तो दैट इज़ द नॉर्मल रेंज अगर दो से ऊपर है तो यू हैव क्वालिफाइड फॉर मे बी बॉर्डरलाइन हाइपोथॉरेडिज़म और फुल ब्लोन हाइपोथॉरेडिज़म दैट ऑब्वियसली विल रिमेन टू बी दैट रिमेन्स टू बी सीन वंस योर एंटायर रिपोर्ट इज़ इन फ्रंट और उसको जब डिटेल में देखा जाए और ये भी नोट कर लें जब आप टेस्टिंग कराएँ तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या कौन कौन सी होएगी टी एस एच होएगी फ्री टी थ्री होएगी फ्री टी फोर होएगी थायरॉयड एंटीबॉडीज़ होएंगी, उसको हम कहते हैं टी और थायरॉय uh, ग्लोबुलिन, ये मेडिकल टर्म्स हैं मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा मैं सिर्फ आपको इस सिचुएशन की ग्रेविटी से अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि uh, जो एक तो पूरी इंफॉर्मेशन टेस्ट नहीं की जा रही और जो तीन चीज़ों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उनकी रेंजेज़ भी चेंज uh, हो चुकी हुई हैं सो इट कुड बी द केस दैट योर योर थायड इज गोइंग मिस्ड अनडाइग्नोज एंड दैट यू नीड टू डू समथिंग वंस यू नो दैट इफ यू हैव दिस इशू देन यू कैन हैव एन अप्रोच दैट स्पेसिफिकली एड्रेस द थायरॉयड और हाशी मोटर्स फॉर दैट मैटर आई होप अभी तक आपको बात समझ में आ रही है आई होप आई हैव एलियनेटेड यू विद ऑल द साइंस बिकॉज लॉर्ड ऑफ पीपल से जी uh, बस बता दें कि क्या करना है वो तो हम बताएंगे ही वो तो हम बात करेंगे ही लेकिन जब तक आप बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत समझोगे नहीं थोड़ी बहुत साइंस को समझोगे नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी तो ये मामला है कि जो हमने टेस्टिंग के ऊपर बात की हमने बात की कि इसकी रेंजेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है हमने बात की कि इसके सिम्टम्स क्या हैं तो अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसका आ, हल क्या है वाट टू डू अबाउट इट पहली चीज तो ये है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है थायरॉयड की दैट इज़ मल्टीफेसिटेड आई मीन यू कैन मेक द लाइफ स्टाइल चेंजेस बट यू नीड द राइट काइंड ऑफ इंटरवेंशन यू नीड द राइट काइंड ऑफ अप्रोच दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू गेट योर रिजल्ट ठीक है बट द पॉइंट्स इट आई एम गोइंग टू गिव यू आर सर्टनली गोइंग टू मेक दैट चेंज फॉर यू एंड इट दे विल एक्चुअली हेल्प यू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन मैं सिंपली ये कह रहा हूँ नाजरीन कि जब तक आप अपने लाइफ को चेंज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा और लाइफस्टाइल को चेंज करना ही सबसे मुश्किल काम है लेकिन सबसे रिवॉर्ड गिविंग भी है बिकॉज इन फंक्शनल मेडिसिन वी सिंपली से व्हेन फूड इज़ गुड मेडिसिन इज ऑफ नो नीड व्हेन फूड इज़ बैड मेडिसिन इज ऑफ नो यूज़ मेरी बात फॉलो कर रहे हैं तो जब तक हम अपने बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम जो मर्जी कर लें हम सिम्टम सप्रेशन की दवाइयाँ खा लें उससे हमें थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो मिलता है लेकिन उन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अपना जो लिवर के ऊपर और उन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जो आप डील कर रहे हैं दैट आई डोंट नीड टू टेल यू यू ऑलरेडी नो एंड आई होप दैट यू आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड दैट वट इज़ द राइट अप्रोच ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द द इंटरवेंशन और सबसे पहली चीज़ हम जब हाइपोथरडिज़म की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज जब लाइफ की बात करते हैं इसके इस, इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम एक हम उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ऐसी डाइट जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो ऐसी डाइट कि जिसको जब हम खाएं तो जहाँ पे खाना अब्जॉर्ब होता है जिसको हम गट कहते हैं इंटेस्टेंस कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस ना हो और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो पाकिस्तानी डाइट है आई एम ए पाकिस्तानी एंड सोर यू कि हमारे लिए ज़िंदगी को तस्वर करना अनाज के बगैर रोटी के बगैर वीट के बगैर इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल आई डील विद पेशेंट्स ऑल द टाइम एंड द वन चैलेंज आई सी कमिंग अप अगेन एंड अगेन रोटी को कैसे छोड़ें ब्रेड को कैसे छोड़ें ये चीज़ें हमसे छूटती नहीं हैं सो so, एक तरफ है आप अगर नेट पे जाएंगे और आप नेट पे जाके देखेंगे कि वॉट इज़ द नेचुरल क्योर फॉर हाइपोथॉरेडिज्म वो सबसे पहले आपको कहेंगे ग्लूटन को छोड़ें ठीक है और ग्लूटन सबसे ज़्यादा ग्लूटन की कॉन्सनट्रेशन वीट के अंदर है तमाम ग्रेन से कंपेयर करते हुए अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्लूटन की वीट के अंदर है और ग्लूटन एक ऐसा सब्सटेंस है जो वीट के अंदर पाया जाता है चाहे आप जितनी आ, जितनी नेचुरल और जितनी ऑर्गेनिक वीट लिए उसके अंदर ग्लूटन कॉन्सेंट्रेशन हाई है दिस इज ग्लोबल फनोमिन इट इज़ हैपनिंग द वर्ल्ड ओवर नॉट जस्ट इन पाकिस्तान तो जब आप ये वेस्टर्न अप्रोच uh, को देखते हैं डू यू सी जी दे गिव यू द काइंड ऑफ फूड्स जो हम कभी तस्वर भी नहीं कर सकते वी कॉन्ट हैव द कांड ऑफ मे बी द काइंड ऑफ फूड्स राइड ऑफ द बैट कि जो हम कहेंगे ये हम अपनी रोटी चावल रोटी और ब्रेड को छोड़ कर ये वेस्टर्न खाना खाना शुरू कर दें उसको फिर हम डाइट का नाम देना शुरू कर देते हैं और जब हम किसी भी चीज़ को डाइट का नाम देते हैं तो उसका मतलब है वो टेम्प्रेरी है तो रिजल्ट टेम्प्रेरी चेंजेस से नहीं आते हैं लाइफ स्टाइल कैन नॉट बी टेम्प्रेरी इट हैज़ टू बी परमानेंट सो द क्वेश्चन बिकम्स हाउ डू यू डू दिस और उसका फिर तरीका क्या है एंटी इन्फ्लैमेटरी डाइट की एक साइंस कह लें या आर्ट कह लें विच आई गिव टू माई पेशेंट्स इज स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हमने थोड़ी चीजों को चेंज करना है और अगर वो लेट्स से चार चीज़ों को हमने चेंज करना है हम उन चारों चीजों को इकट्ठा चेंज करेंगे तो आप ओवरवेलम हो जाओगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे सो वी स्टार्ट वन स्टेप एट अ टाइम कि अगर हमने ग्लूटन को कम करना है तो हम पहले एक मील में से मिसाल के तौर तो पर ग्लूटेन को निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल एक हफ्ते में आप कितनी रोटी खाते हो उसकी क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस् कम करना है और उसकी क्वांटिटी को कम करते हुए बाकी कार्बोहाइड्रेट से बाकी काब से उस उस डाइट को रिप्लेस करना है ताकि आपको जो जो चेंज है वो ड्रा, ड्रास्टिक ना हो वो ग्रेजुअल हो आपकी बॉडी आपकी हैबिट्स आहता आहिस्ता उसको वो अलाइन कर लें और आपके लिए प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ये कह देना कि जी एंटी इन्फ्लैमेटरी डाइट खाएं नेट से वो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन ले ली आपका पढ़ना या सुनना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना like I said, I people, as as दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर पोल्स अ पार्ट आई नो इट फॉर अ फैक्ट बिकॉज लाइक आई सेड आई डील विद लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज जिस की जी ग्लूटन छोड़ दें यू विल नॉट बिलीव कि ग्लूटन आपकी कैचअप के अंदर है ग्लूटन आपकी सेलड ड्रेसिंग के अंदर है ग्लूटन आपकी रोटी के अंदर तो है ही ग्लूटन आपके पॉरेज uh, के अंदर है ग्लूटन आपके ब्रेकफास्ट सीरियल के अंदर है हर जगह के अंदर ये चीज़ डली हुई है तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है कि जिंदगी भी चलती रहे एनर्जी भी एलिवेटेड रहे और काम भी बनता जाए सो दैट हैज टू बी ग्रेजुअल सो द टिप दैट आई एम गिविंग यू हाउ टू ग्रेजुअली रिड्यूस ग्लूटन फ्रॉम योर डाइट इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प योर हाइपोथॉराडिजम और इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द सिम्टम्स एड आई मैं यू हैव टू मेक इट ग्रेजुअल और उसका तरीका क्या है दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप अपनी जो टोटल रोटी या जो चपाती की आपकी कंजम्पन है उसको आस्ता कम करें और आसा आम करते हुए उसको आप बाकी चीज़ों से रिप्लेस करें जिस तरह आप ग्लूटिन फ्री आटा है या बाकी काब्स की सोसेज हैं जिसके अंदर आप आलू ले सकते हैं जिसके अंदर ढेर सारी सब्जियाँ हैं वो ले सकते हैं मतलब देर आर मल्टीपल वेज़ टू रिप्लेस दैट रोटी और अगर रोटी की आदत ही है तो फिर ग्लूटिन फ्री आटा लेके उससे काम चलाया जाए और दूसरा तरीका क्या है कि आप जो अगर ग्लूटिन खा रहे हैं तो उस क्वांटिटी को आप चेंज ना करें आप काब्स की इंटेक को आसा आस्ता कम करना शुरू कर दें क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी डाइट के अंदर रोटी और चावल की जो इंक्लूजन है वो इट्स एक प्रॉब्लम है ग्लूटिन तो एक अलहदा चैलेंज है तो जब हम वेट लॉस और 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 हाइपोथरडिज्म की भी बात करते हैं विच बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड तो फिर हम अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को कम करते हैं बॉडी को जब आदत पड़ जाती है थोड़े कम काब्ज खाने की तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्लूटिन को रिप्लेस करना शुरू करते हैं दिस इज दीज आर द टू स्ट्रैटेजीज दैट आई रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स

आई एम नॉट सेंगट दीज डाइट आर नॉट गुड आई एम सेंग दस अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरी अगर आप इमीडिएटली आप अपनी जो भी करंट लाइफ है उससे उठ के एकदम जंप मारेंगे कीटो डाइट के ऊपर जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ट्रेंड चल रहा है यू रिस्क द चांस ऑफ फर्दर टैक्सिंग योर एनर्जी सिस्टम कि आपकी बॉडी ऑलरेडी एनर्जी के लिए स्ट्रगल कर रही है तो जब आप एकदम डाइट को शिफ्ट कर देंगे और आप एकदम अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को वन uh, थर्ड करके या वन फोर्थ करके उसको फैट से रिप्लेस करेंगे तो बॉडी उस चेंज को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करती इसीलिए देखा गया है कि लोग जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं जो इंटरमीडियन फास्टिंग कर रहे हैं उनको वेट लॉस के रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं बालों का गिरना हो रहा है एनर्जी क्रैश कर रही है क्रेविंग्स आर गोइंग थ्रू द रूफ मूड स्विंग्स हैं फटीक इतनी ज़्यादा हो रही है नींद नहीं आ रही क्रैंकी हो रहे हैं

तो उसका नुकसान आप खुद ही उठाएंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा बिकॉज आपने करना वही है जो आपने करना है आपको वही दस दिनों में बीस किलो चाहिए आपने वो करना है क्योंकि शादी आ रही है ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली योर बॉडी इज़ नॉट टेकिंग गुड ऑर्डर्स फ्रॉम यू इफ़ यू मेस विद योर बॉडी इफ़ यू मेस विद योर मेटेबलिज्म इट इज़ गोइंग टू मेस विद यू बैक और उसका रिजल्ट आप देख चुके में हैं पतली तो होगी लेकिन उसके साथ साथ गंजी भी होगी पतली तो होगी लेकिन थोड़े अरसे के लिए हुई और वो जो दस के जी लूज़ किया था वो आपकी बॉडी ने तोहफा आपको दिया वो पंद्रह के वापस आ रहा पतली तो होगी लेकिन एनर्जीलेस जोम भी बन गई वाई डाई डू दैट वाई टेक अ शॉर्ट टर्म अप्रोच वाई सेबाज योर हेल्थ सो आई होप दिस इज सिंकिंग इन साइड यू बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू द फोन और द डिवाइस दैट इज़ लुकिंग एट मी आई एम टॉकिंग टू यू एज एन इंडिविजुअल एज ए पर्सन मैं ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको एज योर कोच कुछ बातें बुनियादी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो लेट दैट सिंक इन टाइम हमारे पास कम है सो आई गुड स्टार्ट यू नो रैपिंग इट अप तीसरी चीज नींद का होना स्लीप इज योर बेस्ट फ्रेंड एज फार एज रिवाइविंग योर एड्रीनल ग्लैंड रिवाइविंग योर थारॉयड ग्लैंड इज कंसर्न बिकॉज जब इंसान सोता है तो वो अपनी एनर्जी को रिन्यू करता है उसके सेल प्रोडक्शन होती है बॉडी उसकी रिपेयर करती है तो मेक स्लीप अ प्रायोरिटी How do you make sleep a priority is discussion maybe this is a topic for another time, but sleep in, in our urban living has become something that we don't have anymore. And then if with that sleep deprivation, if we think or if we accept that our health is going to get better, let alone Hashimoto's, you are fooling yourself. So make sleep a priority. next point is getting outdoors. खुदा के वास्ते घर से बाहर निकलो हमें बीमारी है हम कमरों के अंदर बैठ बैठ के ए के अंदर बैठ बैठ के एक डब्बे में से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं एक कमरे में से निकले घर के कमरे में से निकले दफ्तर के कमरे में चले गए दिस हैज़ टू हैव अ पॉज इन बिटवीन गेट आउटडोर्स अलाउ योर सेल्फ द द बेसिक्स ऑफ गेटिंग सम फ्रेश एयर मे बी इवन इफ इट्स फॉर ट्वेंटी और थर्टी मिनट्स

आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ नहीं आपके इस थायराइड फंक्शन के साथ नहीं बल्कि आपके आपके मेंटल हेल्थ के साथ भी लिंक्ड है सो देर देर आर रिसर्च, इज रिसर्च कंक्लूसिव रिसर्च दैट इज सेइंग इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो वाइटामिन डी के लो वाइटामिन डी डिफिशंसी पूरा करें सो दिस इज़ आई थिंक डजेंट नीड एनी मोर डिस्कशन बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड बहुत से लोगों को पता लग चुका हुआ है कि वाइटमिन डी की डिफिशेंसी है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो वाइटमिन डी लेनी पड़ेगी उसके साथ साथ सेकेंड लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग रिगार्डिंग योर गट हेल्थ विच इज़ द रूट कॉज ऑफ हाशी मोटोज प्रोबायोटिक्स ये एक सप्लीमेंट है यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट वेबसाइट इफ़ यू गो टू अदनान फारूक डॉट कॉम वहाँ पर भी है और आजकल आम फार्मेसीज पर भी मिल रहा है प्रोबायोटिक्स आर दर दर गुड बैक्टीरिया दैट आर एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग गट हेल्थ कि जहाँ पर खाना एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गुड बैक्टीरिया के कल्चर उनकी कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए फूड की प्रॉपर डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक्स आपको ये पिल फॉर्म में मिलते हैं दे आर सप्लीमेंट्स नॉट मेडिसिन सो यू कैन सप्लीमेंट विद वाइटमिन डी विच आई टॉक्ट अबाउट एंड यू कैन सप्लीमेंट विद प्रोबायोटिक्स एंड लास्टली अगेन ये न्यूट्रिशन के ऊपर बात आ रही है सिलेनियम एंड आयोडीन रिच फूड्स और इसकी सप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज दर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स कि आयोडीन जब आप ज़्यादा ले लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली हर्ट यू तो बेहतर तरीका यह है कि आयोडीन और सिलीनियम रिच फूड्स कौन से हैं ये आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे एग्स अंडे जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को एक दो अंडे सिर्फ खाने को कहता हूँ बीस बीस अंडे नहीं खाने जस्ट वन टू टू एग्स होल एग्स एंड प्रेफरेबली ऑर्गेनिक यू नीड टू एड इन टू योर डाइट प्रून्स ऐड कीजिए उसके साथ साथ ऑर्गेनिक चिकन अगर कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत ऐड करें बीफ इसके अंदर ऐड करें नट्स इसके अंदर ऐड करें और जो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको हल्का सा सौते करके वो भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें ताकि फाइबर आपकी बॉडी के अंदर ऐड होएगा खाएंगे तो उससे आपकी गट हेल्थ को फर्दर सपोर्ट मिलेगी और अगेन एक बोनस पॉइंट आपको दे रहा हूँ जाने से पहले वो ये कि आपने जो एक्सरसाइज है इफ़ यू एक्सरसाइज देन प्लीज यू नीड टू टेक इट इज़ी यू कॉट ओवर डू एक्सरसाइज यू हैव एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सपेक्ट रिजल्ट ठीक है आई एम नॉट अगेंस्ट एक्सरसाइज आई एक्सरसाइज माई सेल्फ बट द ड्यूरेशन हाउ मच ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ इन क्वेश्चन एंड आई है स्टैंडर्ड रूल फॉर इट कि जब आप अपने इस प्लान को अडॉप्ट करें एंड आई होप फॉर योर सेक एंड फॉर योर फैमिली सेक आई होप यू डू टेक दैट तो पहले अपनी पहले एक दो हफ्ते अपनी डाइट को ठीक कीजिए उसके ऊपर फोकस करें फिर अगले एक दो हफ्ते के अंदर अपनी एक्सरसाइज ऐड करें और वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड योर मैक्सिमम शुड बी थ्री टू फोर डेज थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स सेशन दैट्स ऑल यू नीड उसको ओवर डू करेंगे तो इट दे विल हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर थायरोड एंड योर एनर्जी सिस्टम्स सो गाइज दिस इज़ ऑल दैट आई हैव समड अप फॉर यू एज़ फार एज इज कंसर्न और बात को एक दफ़ा रिकैप करते हुए Recap, okay, you cannot allow yourself to be a victim of these symptoms. You cannot allow yourself to have no energy. You cannot allow yourself to uh, have a, a zombie like approach. You cannot allow yourself to be cranky and out of energy and all the symptoms that we talked about because life itself is a challenge. If you don't show up with energy every day, if you don't have 100% to give to other people, you will be depleted. you will feel um, you will feel like you're losing every day because have energy. Nahi. and i talk to so many people and they have the same same uh, approach. Ke karna to do karna to they can karna pare because i just don't have that energy within me. so when you work on your health and when you do things the right way, life starts to make sense. guys, i hope you enjoyed this session. एंड वट बट एवर योर क्वेश्चन आर उसका मैं आपको ये हमने जो टाइम डेडिकेट किया है उसके अंदर हम बात करते हैं कि आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि वट यू हैव इन स्टॉक राइट नाउ सो ओके अच्छा एक सवाल हमारे पास आ रहा है एंड यू आर सेइंग टेस्ट्स के ऊपर कि व्हाट टू डू अबाउट द टेस्ट्स और uh, देखें इसका तो एक सिंपल uh, तरीक़ेक मैंने आपको बताया कि इट इज़ इट वुड नॉट बी फेयर फॉर मी टू टेल यू कि एग्जैक्टली आपके इस टेस्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है आई नीड टू सी द इंटायर हिस्ट्री एंड आई नीड टू सी द इंटायर प्रोफाइल टू बी एबल टू मेक ए जजमेंट एंड एजुकेटेड जजमेंट दैट इट हैज़ टू बी यह आपको थायरोइड का मामला है या नहीं है और दूसरी चीज़ मैं ये मेन्शन करूँगा कि आपको आ, 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 जब तक आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर ना हों तब तक आप उसके लिए कोई इकदाम ना करें फॉर यू टू बी वेरी श्योर यू शुड गेट योर सेल्फ एन अपॉइंटमेंट सी क्लैरिटी नो वर्ड इज रॉन्ग गेट योर सेल्फ़ एजुकेटेड एंड दैन स्टार्ट द प्लान ठीक है एक आपका सवाल ये आ रहा है और दूसरा आपका आपका सवाल आ रहा है अबाउट ग्लूटन uh, और ग्लूटिन का जैसे कि मैंने बड़े तफसीला बताया कि ग्लूटन का मामला कैसे आपने टैकल करना है इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु सेज़ के जब मैंने कोई चीज़ करनी है तो मैंने करनी है इफ़ यू आर दैट सॉर्ट दैन गो एड एंड एलिमिनेट ग्लूटन विच मीन्स ऑल वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर डाइट बट इफ़ यू नॉट द कांडट काइंडसन विच आई एम श्योर यू नॉट बिकॉज मेजोरिटी इतनी अपने साथ डिसप्लिन नहीं होती तो देन यू डू इट वेरी ग्रेजुअली वेरी स्लोली और ग्लूटिन फ्री फूड्स इस वक्त काफ़ी ऑर्गेनिक मार्किट्स भी खुल चुकी हुई हैं इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मार्किट्स के अंदर भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो ट्राई दीज थिंग्स एंड आई एम प्री श्योर दैट यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन और आखिरी आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा यू आर आस्किंग वॉट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन वेट लॉस वर्सिज वेट लॉस इन हाइपोथराडिज्म देखें योर वेट लॉस रिजिस्टेंस मैंने जो सिम्टम्स में पहले बात की थी वेट लॉस रिजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं आप डाइट भी कर रहे हैं आप वर्कआउट भी कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये बॉडी रेजिस्ट कर रही है तो उस रेजिस्टेंस की क्या वजह या वजूहत हैं उसके अंदर हाइपोथायरिज्म इज प्रोबली वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप उसका तरीक़ेकार क्या कर रहे हैं आप डाइटिंग कर रहे हैं विच इज़ अगेन नॉट हेल्पिंग और आप एक्सरसाइज डबल डाउन कर रहे हैं विच अगेन इज नॉट हेल्पिंग सो वॉट यू नीड टू डू इज चेंज योर अप्रोच एंड यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड यू नीड टू प्रायोरिटाइज इम्प्रूविंग योर थायरॉयड फंक्शन इन दिस केस बिफोर यू कैन एक्सपेक्ट वेट लॉस रिजल्ट बिकॉज वेट लॉस हैज़ टू बी हेल्थफुल इट हैज़ टू बी हेल्थ प्रमोटिंग इट हैज़ टू बी कि जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो योर हेल्थ योर अपेयरेंस योर एनर्जी योर मूड योर स्लीप ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग बेटर अगर आपके उस वेट लॉस के अंदर आपके बाल भी गिर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया और आपकी सेहत डिटेरिनेट हो रही है तो वो टेम्पररी वेट लॉस होएगा उसके अंदर मेटाबलिज़म तबाह होएगा सो द लिंक विद एक्सरसाइज एंड एंड हाशी मोटोज इज़ is interesting and you should exercise but it is just one part of the equation there are there's nutrition that needs to be fixed or nutrition can carbs proteins or fats fiber yeah है. water ki intake hai. alkalinity there's harimamlakha nutrition ke fix करने fixed उसके बाद लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के मामला हैं नींद के मामलाते हैं इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है सिर्फ अगर आप जिम जाके अपने गिट्टे गोड़े तोड़ रहे हैं और ओवर डू कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दो रिजल्ट दे आर नॉट गोइंग टू कम थ्रू बट इफ यू डूइंग एक्सरसाइज दैट इज ग्रेट बट ओवर डूइंग इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो गाइज टाइम हमारा खत्म हो रहा है आई थैंक यू फॉर फॉर योर टाइम एंड आई होप दिस फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच इज मेकिंग सेंसटिव यू एंड आई लुक फॉवर्ड टू सींग यू गाइज थैंक यू